जिंदगी में हम सभी को दो में से कोई एक चीज जरूर मिलती है, या तो अनुशासन का कष्ट या फिर पछतावे और मायूसी की पीड़ा। हम सभी को मालूम है कि क्या करना चाहिए फिर भी नहीं करते, और क्या नहीं करना चाहिए वो काम भी जाने अनजाने में कर जाते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम यही सोचते रहते हैं कि हमारी जिंदगी सही दिशा में क्यों नहीं जा रही। हम चाहते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए कोई और हमें बोले, कोई हमें मोटिवेट करे। हमको लगता है कि अगर कोई और हमको आदेश देगा तो हम वो काम ज्यादा अच्छे से और सही समय पर कर पाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और है। इस दुनिया में कोई और इंसान आपको आदेश देने के लायक नहीं होता। सफलता पाने में मोटिवेशन आपके केवल 1% काम आता है, बाकी बचा हुआ 99% सेल्फ डिसिप्लिन होता है, जिसे हिंदी में अनुशासन कहते हैं। और इस अनुशासन की वजह से आप अपने आप को आदेश देते हो, आप अपने आप को वो काम करने के लिए बोल देते हो जो काम करने का आपका मन ही नहीं होता। हम सभी जोश में कोई नया काम शुरू करते हैं, खूब सारी तैयारियां करते हैं और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट देते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं, हम ये बनने वाले हैं। शुरुआत के कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर काम करने का मन करता है, पर धीरे धीरे वही काम एक समय के बाद बहुत बोरिंग लगने लगता है। एक लंबे समय के बाद तो हमें उस काम से नफरत सी होने लगती है, यहाँ तक कि हम उस काम के नाम से तक भागने लगते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस काम को लंबे समय तक करना जारी नहीं रख पाते, और इससे हमें सफलता नहीं मिलती और दुनिया को परिणाम नहीं दिखता। दोस्तों, ये दुनिया केवल परिणाम देखना जानती है। आप भी इस दुनिया के ही हिस्से हो और इसलिए आप भी केवल परिणाम ही देखना जानते हो, लेकिन उस परिणाम के पीछे की गई लगातार सालों साल की मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। और आप भी ऐसे ही मेहनत करने से भागने लगते हो, ये जानते हुए भी कि इसी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास अनुशासन नहीं होता, आपके पास एक विकल्प होता है भाग निकलने का। दोस्तों, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। इसका अर्थ ये होता है किसी भी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। अनुशासन का असली मतलब अपने विकास के लिए कुछ नियम निर्धारित करना और उस नियम का रोजाना पालन करना होता है, चाहे वो नियम हमें पसंद हो या ना हो, इसी को अनुशासन कहते हैं। अगर हम अपने जीवन में नियम के साथ नहीं जीते तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। अगर तुमको अनुशासन सीखना है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति में देखने को मिलता है। सूरज हमेशा अपने नियमित समय पर उगता है, नियमित समय पर ही ढल जाता है। नदियां हमेशा बहती रहती हैं। गर्मी, ठंड, बारिश का मौसम अपने नियमित समय पर आते हैं और चले भी जाते हैं। अगर किसी भी रूप में प्रकृति अपने अनुशासन के हिसाब से नियमित काम ना करे तो पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि आपके जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको एक अनुशासन के साथ हर एक वो काम करते रहना पड़ेगा जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, चाहे वह काम आपकी पसंद का हो या ना हो। क्योंकि यहाँ पर आपकी पसंद या ना पसंद का कोई महत्व नहीं है, जो सही है वह सही है और जो गलत है वो गलत है। आप इस बात को बदल नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही बोरिंग है और कोई भी इसे नहीं करना चाहेगा, और यही आप में और दूसरों में एक फर्क पैदा करेगा। जहाँ लाखों लोग ऐसे होंगे जिनमें कोई अनुशासन नहीं होगा, जो छोटी सी कोशिश के बाद हार मान जाएंगे, और वहीं एक आप होंगे जो अपने नियमों के मुताबिक चलकर लगातार मेहनत करके सफलता को हासिल कर लेंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो किसी भी इंसान को विनर या लूजर बना सकती है। आपको अपना कम्फर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, आपको अपने मन को मारकर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो याद रखना, पहले आप निर्णय को बनाते हो, फिर वही निर्णय आपका जीवन बनाता है। पहले आप अनुशासन के लिए नियम बनाते हो और फिर यही अनुशासन आपका जीवन बनाता है। आपकी जिंदगी में लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, लेकिन आपको नहीं बदलना है, आपको अपने नियमों का पालन करना है। तभी एक लंबे समय के बाद जब कोई आपसे मिलेगा तो आपकी सफलता और आपके अनुशासन को देखकर वह दंग रह जाएगा। दोस्तों, जब आपके जीवन में नियम होते हैं, अनुशासन होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना लक्ष्य एकदम साफ साफ पता है। आपको पता है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, तभी तो आप उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सारे त्याग कर रहे हो। और जब इंसान को ये पता होता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, तभी तो वह उस चीज को पा सकता है। अगर आपके जीवन में खुद का अनुशासन है तो आपको किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपको वह काम करना है और वह काम आपको करना ही पड़ेगा। और अब यहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो आज आपके सामने दो चॉइस है, पहला अनुशासन और नियमों के अधीन जीवन जीना और सफलता प्राप्त करना, और दूसरी चॉइस है पश्चाताप या पछतावा करना। जब आप जीवन में पीछे पलट कर देखोगे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आप क्या देखना पसंद करोगे? क्या आप उस समय खुद को पछताते हुए देखना चाहोगे? क्या आप 10 साल बाद ये कहना चाहोगे कि मेरे पास मौका था लेकिन मैंने सही काम नहीं किया, काश मैंने उस समय अनुशासन से जीवन जिया होता तो आज मेरा भविष्य कुछ और होता? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। हर कोई अपने आप को भविष्य में एक सफल इंसान के रूप में देखना चाहता है। बस आज के समय, वर्तमान के समय में वह उस सफलता के लिए मेहनत नहीं करना चाहता अनुशासन के साथ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वो इंसान बने जिसे बाद में पछताना पड़े, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आशा करता हूं इसे देखने के बाद आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपके जीवन में एक छोटा सा ही सही लेकिन एक बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, ये इस साल 2022 का आखिरी वीडियो है। आशा करता हूं आने वाला साल आपके जीवन में सफलता, अनुशासन और खुशियां लेकर आए। तो सकारात्मक सोच के साथ, अपने अनुशासन के साथ लक्ष्य की तरफ बढ़ते